हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अब काफी ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और आज है अष्टमी, उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर बनाए हैं, आज इस बार मैंने काले चने नहीं बनाए हैं माता के प्रसाद के लिए, इस बार मैंने ये व्हाइट वाले चने है ना, ये मैं बनाए हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग बनाते हैं ये व्हाइट वाले जो छोले होते हैं ना, सफेद चना, वो भी बनाए हैं, तो मैंने सोचा इस बार यही बनाती हूँ। और ये तेल है, ये इसमें पूरियां तलूंगी, आटा भी मैंने बना के रखा हुआ है। और अभी मैं हलवा बनाने वाली थी सूजी का, लेकिन बाद में पता चला कि चीनी नहीं है, चीनी खत्म हो गई है। पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, कल हम सामान लेकर आए हैं सारा कुछ ये कंजक के लिए जो भी चाहिए, और उस वक्त मैं खड़े हुए सोच रही थी, लेकिन यही ध्यान नहीं रहा कि चीनी नहीं है। अभी हस्बैंड से बोला है वो चीनी लेकर आएंगे, फिर मेरा हलवा जो है वो बनेगा। लेकिन मैं जो ये तो माता के भोग के लिए मैंने बनाया है, और लेकिन बच्चों को जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी ना, वो मैं कुछ और इस बार अलग तरीके से करने वाली हूँ। आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बार मैं बच्चों को क्या दे रही हूँ। और वो ये है जो मैं हमेशा करती हूँ, मंदिर में ही जाती हूँ और वहीं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ जो भी प्रसाद होता है माता का, और इस बार भी वही करने वाली हूँ। और आज काफी लेट हो गया, अभी बज रहे हैं 9:30, क्योंकि वीकनेस इतनी ज्यादा है कि सुबह जल्दी से उठने का मन नहीं करता, रात को दवाई लेकर सो। तो वही है, मैं आज 8 बजे उठी हूँ, फिर वही काम करते करते धीरे 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 ये अभी 9:30 हो चुके हैं। तो बस अब जल्दी से ये सूजी का हलवा बन जाए, फिर इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए, और फिर आपको दिखाऊंगी भी कि हम लोग आज क्या क्या देने वाले हैं। इस बार मैं आपके साथ हलवा बनाने की रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी ये जो अष्टमी वाले हैं और नवमी वाले जो व्लॉग हैं, ये मैं पहले बना चुकी हूँ और उसमें रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स में जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फिर ठीक नहीं लगा कि मैं हर बार एक ही चीज़ बार बार आपको बताती हूँ। और वैसे भी ज़्यादातर मैं अपना जो ये हलवा होता है सूजी का, अंदाजे से ही बनाती हूँ। हिसाब जो होता है वो वैसे तो उसी हिसाब से बनाना चाहिए, लेकिन अब बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब हम अपने हिसाब के अनुसार अगर बना लेते हैं ना, तो भी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और ये मैंने जो कढ़ाई है, इसे मम्मी ने यूज़ पहले कर लिया था, मेरी नई कढ़ाई थी। तो कहते हैं कि इसे सबसे पहले अगर कोई बर्तन यूज़ करते हैं उसमें मीठा बनाना चाहिए, तो मेरी मम्मी जब आई थी तो उन्होंने इसमें सूजी का हलवा बनाया था, और फिर इसके बाद मैंने आज इसके अंदर इसका उद्घाटन जो किया है वो माता के भोग के चनों के साथ और फिर ये हलवों के साथ किया है। इस बार बच्चों को हम लोग देने वाले हैं, ये देखो यहाँ पर ये पैकेट रखे हुए हैं, पीछे ये बैग्स हैं, इसके अंदर हम देंगे। तो ये जो पैकेट है ना, इसके अंदर है ये मफिन्स देंगे, और ये ग्रीन है, मतलब एग नहीं है इनके अंदर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, पता दिख रहा है या नहीं। तो ये मफिन्स देंगे, साथ में ये बनाना है ये देने वाले हैं, और बिस्किट्स हैं, और यहाँ पर इसके अंदर जूस भी है। तो ये ही सब पैक करके हम लोग इनका ही जो पेयर है वो बना देंगे। तो एक बिस्किट हो जाएगा, एक मफिन हो जाएगा, एक जूस हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। तो इस बार हमारा यही इरादा था कि हम लोग माता वाला प्रसाद तो भोग में लगा देंगे और बच्चों को ये वाली चीज़ें देंगे, ताकि बच्चों को थोड़ी सी वेराइटी मिल जाए, क्योंकि सभी लोग फिर यही सब दे रहे होते हैं, पूरी हलवा और ये सब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार ये दिया जाए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अलग करके देखा है, देखते हैं बच्चा कितने पसंद करते हैं। तो बस जल्दी से अभी इनकी पैकिंग करती हूँ। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे अपनी आवाज़ अभी भी सुबह सुबह कुछ दिनों तक ऐसा होता रहेगा कि एकदम बैठी हुई सी रहेगी, और अभी भी बैठी हुई है मेरी आवाज़, लेकिन वैसे मैं ठीक हूँ, गला बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता है कि हल्का हल्का सा तो जैसे ख़राब होता है, खराश थी वो तो है ही, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा ठीक होने में। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि आपने बहुत दिन हो गए, बहुत गैप हो गया, कोई कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, आप ठीक हो कि नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और कोशिश करूँगी अब फिर से व्लॉग्स पहले की तरह डेली बनाने की, और आपके साथ अभी दिवाली शॉपिंग और क्लीनिंग बहुत कुछ शेयर करना है। तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं पेंडिंग हो गए, सोचा था जल्दी हो जाएगा काम, लेकिन वो नहीं हो पाया। नहीं तो मैंने सोचा था इस बार मैंने क्लीनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी है,
तो मेरे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे और दिवाली से पहले मेरी शॉपिंग वगैरह सब अच्छे से हो जाएगी, लेकिन जो सोचा जाता है वो अक्सर नहीं हो पाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, और खैर कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है, अभी भी क्लीनिंग वैसे तो ज़्यादा नहीं है। किचन अगर क्लीन हो जाए ना तो वैसे ही समझ लो कि 70% काम ख़त्म हो गया। बाकी क्लीनिंग भी मैं कर ही लूँगी और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, आपको मेरे क्लीनिंग का इंतज़ार रहता ही है। तो बस अब आगे कोशिश करूँगी डेली अपने ब्लॉग्स अपलोड करने की। मंदिर से आने के बाद मैं सो गई थी और अभी उठी हूँ, 1.5 घंटा रेस्ट किया और अब मुझे फ्रेश लग रहा है। अब 2:30 बज रहे हैं, हम लोगों का इरादा है मार्केट जाने का, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि बीमारी के कारण ना क्लीनिंग को तो छोड़ ही दो, कोई भी शॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। और तविशे के भी कपड़े लेने हैं, अपने लिए भी लेने हैं मुझे, और वो सब मुझे अब सोच रही हूँ कि लेकर आऊँ। और ऊपर से ना मेरे हस्बैंड का ऐसा मानना है कि मैं बीमारी के कारण थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, तो फिर वो कह रहे थे कि बाहर चलो थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करोगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ, चिड़चिड़ी वाली बात नहीं है, चिड़चिड़ी तो मैं नहीं हुई हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब गला वगैरह बहुत ख़राब होता है और फिर किसी से कोई बात करो ना और वो एक बारी में उस बात को नहीं सुन पाता है, हैं करता है कोई, जैसे मैं तवीशी को कुछ बोल रही हूँ या अपने हस्बैंड से कुछ बोल रही हूँ, तो मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था कि वो क्लियर नहीं आ पाती थी आवाज़, फिर इनको दो दो तीन तीन बार वो रिपीट करनी पड़ती थी मुझे इनके सामने वो बात, तो फिर क्या होता था कि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, इरिटेशन होती थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और मैं फिर चुप हो जाती थी या फिर नाराज भी हो जाती थी कि चलो छोड़ो मुझे नहीं बात करनी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसीलिए तुम बीमारी के कारण चिड़चिड़ी हो गई हो, शॉपिंग करो और फिर ठीक हो जाओगी। हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी मुझे वीकनेस है, लेकिन कोई बात नहीं। और अब सबसे अच्छी बात यह भी हो गई है कि हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही 2-3 जो है शोरूम्स खुल गए हैं, मतलब मॉल्स के अंदर अच्छी अच्छी शॉप खुल गई हैं, होम सेंटर भी खुल गया है, पेंटलून है और बिग बाजार भी आ गया, तो अब हमें नोएडा नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात हो गई है। तो वहीं जाके शॉपिंग करेंगे और जो मैं कुछ खरीदूंगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके साथ शेयर ना करूं, आपके साथ शेयर भी करूंगी। और थोड़ा सा मुझे अपना फेस बहुत डल लग रहा है क्योंकि बीमारी से उठने के बाद थोड़ा हो ही जाता है, लेकिन ये बात एक है कि हम लोग अगर सोचे ना, हम औरतें, कि हम लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा और हम लोग बहुत अच्छे से सोएं और फिर मतलब बीमारी में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने भी रेस्ट किया, काफ़ी किया, और हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की किचन में भी, उन्होंने मतलब जितना उन्हें आता नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया किचन में, कुछ कई बार तो हम लोगों ने बाहर से खाना मंगा लिया और कई बार फिर हस्बैंड ने कभी खिचड़ी बना दी, कभी दलिया बना दिया, हम लोग ऐसा खाते रहे। और 1-2 बार तो मम्मी भी आई रहने के लिए मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूरत जैसे होती है, सामान कहाँ है रजनी, ये बता दो वो बता दो, तो अगर वो किचन में काम करें तो मुझे हर वक्त उनके साथ लगा ही रहना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि मैं सो जाऊँ और मैं अच्छे से नींद अपनी पूरी कर लूँ, तो हम औरतों को ना ठीक से बीमार होने का भी ना अधिकार नहीं होता है। अगर हम अच्छे से सोचे कि हम बीमार होके बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर लेना, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और फिर मम्मी आई, 1-2 दिन तो मम्मी ने काम संभाला, और बस फिर ये सारी चीज़ें मैं ब्लॉग्स में शूट नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि रजनी अच्छे से रेस्ट करो और अभी कैमरे को बिल्कुल भूल जाओ, जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती ना तब तक बिल्कुल कैमरे को हाथ नहीं लगाना है, सोच लो कुछ दिन के लिए कि अभी बस मैं रेस्ट पर हूँ अपने घर के काम से भी और अपना जो तुम्हारा यूट्यूब का काम है उससे भी। तो फिर मुझे भी उनकी बात ठीक लगी कि मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ पहले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर पता क्या होता है अगर मैं गैप ले लेके काम करूँ, आज मैंने थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ और मैं काम कर लूँ और यूट्यूब का काम करके वीडियो अपलोड कर लूँ, फिर बीमार हो जाऊँ और फिर गैप ले लूँ, फिर काम करना शुरू करूँ, तो उससे क्या होता है कि फिर वो फ्लो सा नहीं आ पाता है, बीच बीच में से एकदम से गैप ले लो। अभी ये लंबा गैप हो गया है, लेकिन इससे मुझे पता है आप मेरे व्यूवर्स हैं, आपको मैंने बताया था मेरी तबीयत खराब है, तो आप लोगों को मालूम भी है, तो आप लोग समझ सकते हैं जब बीमार होते हैं तो क्या हालत हो जाती है। और बस अभी शॉपिंग के लिए निकलने वाले हैं, तविशी भी रेडी हो गए, मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, और क्या लेकर आती हूँ भी ये भी देखते हैं, जो सोच के जाती हूँ मुझे कभी मिलता नहीं है। और इस बार वैसे मैंने ये सोचा है कि करवा चौथ के लिए मैं कुछ नहीं खरीदने वाली हूँ, मतलब साड़ी वगैरह, जो मेरे पास मेरी शादी की साड़ियाँ पड़ी हुई हैं ना उनमें से ही कोई निकाल कर पहन लूँगी। और हाँ, ब्लाउज़ जैसा मैं सोच रही हूँ वो मुझे मिलना चाहिए, पहले मैं वो भी तो ढूंढ रही हूँ, अगर वो मिल गया ना तो फिर तो मेरे मज़े आ जाएंगे। तो देखते हैं चलो आज मुझे क्या क्या मिलता है, और यहीं पे अब अपने ब्लॉग का करूँगी एंड। कैसा लगा अष्टमी वाला ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब बाय बाय।